ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन उन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों में ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन को लेकर जागरूकता की कमी है, विशेषकर महिलाओं में। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन को लेकर लोगों में जागरूकता आए, इसके लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ब्रेस्टकॉन 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 500 डॉक्टर हिस्सा लेंगे और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता लाने का काम करेंगे। साथ ही ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित इलाज की नई तकनीक और सर्जरी पर जानकारी भी साझा होगी। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी भी हिस्सा लेंगी। इस बात की जानकारी SGPGI के निदेशक प्रोफेसर RK धीमन ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि ब्रेस्टकॉन की शुरुआत 17 नवंबर यानी आज से हो रही है। दरअसल भारत में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इधर कुछ सालों में जागरूकता बढ़ी है। पहले की अपेक्षा अब ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित बहुत से मरीज शुरुआती दौर में ही इलाज के लिए आ रहे हैं। समय रहते कैंसर की पहचान और उसके इलाज से 60-65% मरीज ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं में ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन को लेकर अभी जागरूकता की कमी है। उन्होंने बताया कि यदि किसी महिला की एक ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है तो मन में कुंठा आ जाती है। उनको हमेशा यह महसूस होता है कि शरीर का एक अंग अब नहीं है, जिसका सीधा असर उनके आत्मविश्वास पर पड़ता है। इसी को लेकर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। वहीं कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर विनय कांत शंखधर ने बताया कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कैंसर के उपचार का ही एक हिस्सा है। जब ब्रेस्ट की सर्जरी की जा रही होती है, उस दौरान ही ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन भी किया जाता है। प्रेस वार्ता के दौरान SGPGI के प्रोफेसर गौरव अग्रवाल और डॉक्टर अंकुर भटनागर भी उपस्थित रहे। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर रिकंस्ट्रक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए है और इसमें काफ़ी स्पेशलिस्ट आएंगे और इसके बारे में विचार करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फीमेल्स में, विमेन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट या सर्वाइकल। और ब्रेस्ट कैंसर जो है, इस समय हम लोग अर्ली स्टेजेस में उसको पकड़ने लगे हैं और अर्ली स्टेज में उसका इलाज करने लगे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग जो है वुमेन्स में जिनके पास जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनका क्योर होने लगा है। तो नई चीज़ अब जो हम लोग करने लगे हैं वो है कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। अगर किसी की एक ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है, कुंठा रहती है कि एक पार्ट जो है, एक अंग जो है शरीर में नहीं है, अगर हम जब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे हम उसको उसी शेप में और उसी जगह हम लेके आ सकते हैं, जिससे कि जो मानसिक जो आपको आराम मिलता है, मानसिकता जो एकदम चेंज होती है पॉजिटिविटी की तरफ, एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी के लिए जो है ये 10th कॉन्फ्रेंस हो रही है, ब्रेस्टकॉन की हो रही है। और हम लोग इसमें केवल मास अवेयरनेस के साथ साथ हम लोग इसमें आपस में वो भी करेंगे, नॉलेज एक्सचेंज आप कह सकते हो, डिस्कशंस होंगे कि ब्रेस्ट के कैंसर के ट्रीटमेंट के बेस्ट मोडेलिटीज क्या हैं, रिकंस्ट्रक्शन के सबसे नए तरीके क्या हैं। तो बाहर की कंट्रीज के भी लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर केयर को इम्प्रूव कर सकें इंडिया के अंदर। तो ये तो एक उसका आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट है, जैसे सर ने बोला अभी, कि हम लोग मास अवेयरनेस भी करना चाहते हैं। ये बात पता ही नहीं होती है बहुत से डॉक्टर्स को भी, जो डायरेक्टली इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, और पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि ब्रेस्ट रिमूव होने के बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है, एक दूसरा आर्टिफिशियल ब्रेस्ट बना के लगाया जा सकता है। इसको न लगाने से हमेशा के लिए पेशेंट के दिमाग में एक स्कारिंग रहती है, वो वापस सोसाइटी में उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट को इस तरह से किया जाए कि कैंसर खत्म होने के बाद जब पेशेंट वापस सोसाइटी में जाए तो पूरी तरीके से नॉर्मल अपने आप को महसूस करे और उसको अपने आप को इन्फीरियर महसूस करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। और इसको अपने को एडवोकेट करने के लिए हम लोग 2 बड़ी फिल्म स्टार्स हैं जो कि इसी जर्नी से गुजरे हैं, जिनको खुद कैंसर हुआ था, एक महिमा चौधरी जी और एक छवि मित्तल जी। तो वो लोग भी आएंगे और अपने एक्सपीरियंस और उस दौरान जब कैंसर हुआ उनको और रिकंस्ट्रक्शन कराया तो उनको कैसा लगा और क्या आज की डेट में वो फिल्म नॉर्मल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, मॉडल्स हैं। तो ये चीज़ एक मैसेज होगा कि हालांकि ब्रेस्ट कैंसर हुआ था उनको, लेकिन वापस वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में लौट सकती हैं, लौट गई हैं। और यही बस मैसेज है लोगों को देना है कि ये चॉइस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन रहता है।